शाहरुख खान की अल्ट्रा मासी फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनने का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। इसने अब तक लगभग 10 नए रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं, जैसे कि हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन, हाईएस्ट एडवांस बुकिंग कलेक्शन, हाईएस्ट 3 डे कलेक्शन और ना जाने क्या क्या और कितने हाईएस्ट रिकॉर्ड्स को सेटअप किया, जो कमबैक से कहीं बढ़ के है। इसे एक्चुअली कहते हैं स्टारडम, एक ऐसे स्टार का स्टारडम या यूं कहें कि शाहरुख खान का शाहडम, जिसको पाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 7 साल दे दिए। और यही वजह है कि जब उन्होंने ऑडियंस के मन के हिसाब का कंटेंट दिया तो पब्लिक ने भी उनका स्वागत दिल और जेब खोल कर किया। तभी तो जवान ने इतने कम समय में वर्ल्ड वाइड 693 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसमें से हिंदी का कलेक्शन रहा 345 करोड़ एंड तमिल प्लस तेलुगु का 42 करोड़ रुपए। बाकी बचा 300 से ज्यादा करोड़ का अमाउंट इसने ओवरसीज से चीर दिया। एंड अभी ये क्यूट सन और हॉट डैडी का जादू थमने वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कमिंग वीकेंड भी खाली है। वैसे तो जवान को कंपटीशन देना ऑलरेडी नाको तले चने चबाने का काम है, बट रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसीलिए इस हफ्ते पूरे चांसेस हैं कि 1000 करोड़ रुपए क्रॉस हो जाएंगे। इनफैक्ट 943 करोड़ तो इसने कमा ही लिए हैं, तो क्या 1000 करोड़ पहुंचने में समय लगेगा? अरे यार, इससे पहले आप कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं कि जवान फिल्म के ओटीटी राइट्स रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने नेटफ्लिक्स को बेचे हैं, ये बात तो आपको पता होगी, बट अमाउंट सुन के कि कितने में बेचे हैं, आपको रियलाइज होगा दैट दिस इज द रियल बिजनेस। 100 या 150 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 250 करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने शाहरुख खान की जवान को खरीदा है। वो भी आई एम श्योर खुशी खुशी खरीदा होगा, क्योंकि पिछली बार प्राइम वीडियो वाले बाजी मार ले गए थे पठान के मामले में, जिसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने 100 करोड़ में बेचा था। तो कुछ इस तरह से जवान ने 250 करोड़ प्लस 693 करोड़ इक्वल्स टू 943 करोड़ ऑलरेडी अर्न कर लिए हैं, जिसमें आप याद रखिएगा कि इसके म्यूजिकल राइट्स, थिएट्रिकल राइट्स वगैरह वगैरह राइट्स की तो मैंने बात ही नहीं की है। और यही सबसे खास बात है सिनेमा के बिजनेस साइड की, कि जो एक्चुअली होता है वो कभी दिखता नहीं है। खैर, पठान 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, जवान भी बहुत जल्द 1000 करोड़ का परचम लहरा देगी एंड फिर साल के अंत में एक और लावा फूटेगा, जब इंडियन सिनेमा के दो लेजेंड्स आपस में मिलेंगे डंकी के साथ, यानी राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान। मतलब ये पेयरिंग सुनकर ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं भाई। रंग दे बसंती, संजू, 3 इडियट, राज सर की हर एक फिल्म एक्सपेरिमेंटल होती है एंड लिटरली वो काम करने और करवाने में बिलीव करते हैं। फिर शाहरुख खान को तो आप जानते ही हैं कि वो कितने मेहनती हैं, इसीलिए बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन डायरेक्टर का कोलैब देखना वाकई काफी मजेदार होगा। तब तक आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में टाइप करना मत भूलना कि क्या शाहरुख खान इस साल वाकई में बन जाएंगे 1 साल में 3 लगातार ब्लॉकबस्टर देने वाले पहले एक्टर। जो भी हो लिखना जरूर, और प्लीज यार वीडियो को लाइक किया करो यार, क्यों नहीं करते हो आप लोग, प्लीज कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू सो मच ऑल।